हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो एक सर्कुलर निकाला गया है 9 मई 2019 के डेट में, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए इस लेटर में क्या है। तो ये लेटर किस किसको लिखा गया है, तो इसमें टू में है रजिस्टर ऑल SNRCs और यूनिवर्सिटी, जितने भी रजिस्टर्ड हैं और स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल्स और या यूनिवर्सिटीज हैं उनको लिखा गया है। और सेकंड है प्रिंसिपल और द नर्सिंग कॉलेज और स्कूल, और जितने भी नर्सिंग कॉलेज और स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं उनको लिखा गया, यानी सारे ये। वैसे तो टू में दो जगह है, बट लगभग सारे स्टेट्स ने के SNRCs को और कॉलेजेस और स्कूल्स को, नर्सिंग स्कूल्स को ये लेटर सर्कुलर भेजा जा रहा है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये है NRTS। NRTS क्या है, तो ये है नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबको ये सर्कुलर भेजा जा रहा है। तो और इसमें देख लेते हैं क्या क्या मेन चीज लिखी हुई है इस लेटर में। तो देखिए इसमें सर है, फर्स्ट थिंग जो इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन नर्सेस के लाइव रजिस्टर को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए सभी SNRCs को के साथ कंसल्ट करके NRTS सिस्टम डेवलप किया गया है। सभी जो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से सबसे विचार करके तब ये सिस्टम को अप्लाई करने के लिए डेवलप किया गया है। और जो आगे लिखा हुआ है कि NRTS सिस्टम है वो INC द्वारा डेवलप किया गया है, और जो सॉफ्टवेयर है वो NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। NRTS सिस्टम INC द्वारा और फिर सॉफ्टवेयर जो है NIC द्वारा डेवलप किया गया है। और यह अब ये क्या काम करेगा, तो ये RN और RM जो रजिस्टर्ड नर्स है और रजिस्टर्ड मिडवाइफ है या फिर रजिस्टर्ड ANM है और फिर रजिस्टर्ड LHV वर्कर है, तो उनके डाटा कलेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है, जो कि किसे जो आधार बेस्ड है, और इसमें जो होगा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा उसी पे ये बेस्ड रहेगा फॉर्म। अब आगे है कि इस कॉमन सिस्टम या फॉर्म का एडॉप्शन है, तो सारे जो SNRCs हैं यानी स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उनके द्वारा लाइव इंडियन नर्सेस रजिस्टर के लिए, रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए जरूरी बनाया गया है। तो सारे स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को ये सिस्टम मेंटेन करना होगा, और इनरोलमेंट एजेंसी जो है इस सिस्टम के लिए वो मिला है MS फिनोपेटेक द्वारा। इसके द्वारा क्या होगा, लाइव नर्सेस डाटा ऑथेंटिकेशन होगा NRTS सिस्टम, फिनोपेटेक सिस्टम। ये इनरोलमेंट एजेंसी है जो कि NRTS सिस्टम को ऑथेंटिकेट करेगा। आगे है कि जितने भी फ्यूचर के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यू होंगे, जैसे हो गया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, फ्यूचर रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो गया या फिर रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इस तरह के सारे काम जो है इस सिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा। और काउंसिल इस कार्य के लिए, इस काम के लिए क्या कर रहा है, सारे स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से सहयोग की अपेक्षा करता है, ताकि NRTS सिस्टम का उपयोग फ्यूचर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में हो सके। और काउंसिल पूरी कोशिश करेगी कि वो जो एग्जिस्टिंग पावर है या रोल है SNRC के रजिस्ट्रेशन का उसको अफेक्ट नहीं करे, तो और उनसे भी
जो स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि एनआरटीए सिस्टम का वाइडली उपयोग जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग स्कूल या फिर कॉलेज में बृहद पैमाने पर प्रचार करे, ताकि इसके बारे में सबको जानकारी हो सके और इसका सही रूप में इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और ऑलरेडी जो है वो काउंसिल है, कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग पर्सनल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एसएनआरसीज को प्रोवाइड कर रही है। और आगे जो लिखा हुआ है उसमें है कि एसएनआरसी से फिर से काउंसिल रिक्वेस्ट कर रही है कि वो एनआरटी सिस्टम को अडॉप्ट करे, ताकि नर्सिस का लाइफ रजिस्ट्रेशन हकीकत बन सके और इसका लाभ सभी को मिल सके। आगे कुछ गाइडलाइंस है एनआरटीएस के इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि इंक्लोज किया गया है, जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कंटेन करती है, जिसमें बहुत सारे नर्सेस रिलेटेड इशू का, नर्सेस जो रजिस्ट्रेशन में इश्यूज आएंगे उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनआरटीएस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसमें क्या, कैसे, क्यों इसको लागू लागू कैसे लागू होगा, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये एनआरटीएस का नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।